नमस्कार, मैं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। इन दिनों हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। इसमें पहले लॉकडाउन किया गया, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसी के साथ केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 शुरू कर दिया है। इसके गाइडलाइन आपको सबसे पहले बता देते हैं, क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि इसे हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हमें उसका फॉलो भी करना है। और बाद में हम बिहार सरकार के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने अगले 15 दिन के लिए, जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक फिर से लागू होगा, लॉकडाउन इस राज्य में कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं और जिस तरीके से कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, लगातार संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से पूरे राज्य में बिखरता जा रहा है। अभी तक आंकड़ों की बात करें तो 48,000 से ज़्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं एज ऑफ नाउ। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे, दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री वाली दुकानें हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, उन सब में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ साथ जिम और योगा सेंटर्स खोल देने की इजाज़त है केंद्र सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा अब आते हैं हम बिहार सरकार की गाइडलाइन पर, जो कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक लागू होने के है। तो बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सारी तरह की दुकानें खोल दी जाएंगी। नाइट कर्फ्यू भी अब बिल्कुल हटा दिया गया है, ताकि जो भारी वाहन होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो सामान ढो सके, और जो भारी मात्रा में माल असबाब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है उसे ले जाया जा सके। साथ ही बिहार में भी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। उसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे। केंद्र सरकार का क्लियर निर्देश है कि देश में कोई भी बड़े लेवल की धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक ये सारी गतिविधियाँ नहीं की जाएंगी। तो उम्मीद है लोग इसे फॉलो करेंगे, और फॉलो करना ही, सावधानी बरतना ही, एहतियात बरतना ही इस कोरोना महामारी से बचने का सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है।